मॉडल्स स्टार्ट किए हैं इसमें, मॉडल्स बता रहे हैं। इसके पहले मैंने कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग, मतलब बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वो देख सकते हैं। इंग्लिश फॉर ऑल एक प्लेलिस्ट है, उसको अगर आप देखेंगे ना तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और अगर आपको प्लेलिस्ट समझ में ना आए बात तो डिस्क्रिप्शन में जाना, तो उसमें सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मतलब आप चैनल से अगर नहीं जा सकते हैं तो। यहाँ पर हम समझाएंगे मॉडल। देखिए कभी कभी प्रयोग होता है, मॉडल क्या होता है, मॉडल एक अच्छा करने मतलब सहायक क्रिया होती है, जो कि मॉडल उसका नाम है, तो मॉडल अच्छे सेंटेंस को अच्छा बनाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि शुड माने चाहिए और शुड हैव माने चाहिए था। शुड और शुड हैव सेम, आपको देखिए इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही। ये चाहिए था, चाहिए और चाहिए था, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये समझिएगा। शुड माने चाहिए आपको, जैसे कोई इसमें भी चाहिए है, ऑट टू में चाहिए है, इसमें ऑट टू में हैव लगा हुआ है, चाहिए था। थोड़ा सा आपको ये बात तो समझ में आ ही रहेगी, अगर हैव लग रहा है ना तो इसका मतलब था से रिलेटेड बात बोली जा रही है, था से रिलेटेड बात बोली जा रही है। अगर हैव नहीं लगा है तो इसका मतलब कि वो प्रेजेंट से बात बोली जाए, मतलब कुछ इस तरीके से भाव। तो इसका थोड़ा सा यूजेज है अभी आपके समझ में। ए चाहिए जो लगा हुआ है, ए आपका किसी रूप में भी आपका चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा होता है, हमें चाहिए उसे। लेकिन जब नैतिकता, कुछ कर्तव्य, कुछ मतलब जब बल हो थोड़ा सा उस पर, तो ऑट टू माने चाहिए, कुछ ऐस ये वाला चाहिए लगाइए, बस आपको और चाहिए ये लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंसेज आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। आपका भगवान करे आप सफल हों, देखिए भगवान करें आप सफल हो, ठीक, भगवान करें आप सफल हो, सफल हो, सॉरी ये तो आपका नहीं होगा, ये उसमें का है, भगवान करें आप सफल हो, उसमें का है, विशेष का है, मतलब वो आपका मे का पड़ता है। इसमें मतलब चाहिए, तो चाहिए जैसा आपको सेंटेंस बनाना है, तो इसमें आपको क्या करना है, तुम्हें तुम्हें ऐसा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोला गया, ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यही चीज इस तरह कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें तुम्हें जाना तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, ठीक है। और इसमें का आपका सेंटेंस बनाए तो लोगों को निकल जाना चाहिए, लोगों को वहाँ निकल जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर बोला जाए तो तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, मुझे याद दिलाना चाहिए था। ये ठीक है, तुम्हें वहाँ तुम्हें याद दिलाना चाहिए था। और हमें हमें दौड़ना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए। और अगर इसमें हम बोलें तो
कुछ इस तरीके से मैंने सेंटेंसेस ले लिए। यहाँ पर अगर देते हैं ओ टू के लिए सेंटेंसेस अगर लिखें तो ओ टू के लिए आपका मतलब कुछ नैतिकताकार कुछ मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं जिस पर थोड़ा बल दिया जाए जिस पर थोड़ा आपका दबाव मतलब नैतिक भी हो उस पर बल बल हो कहने मतलब वो एक प्रभाव कर वो ऐसा लगे कि जिससे कोई अच्छी बात बोली जा रही हो वो ऐसे कुछ भाव प्रकट करे तब आपके लिए ऐसा उसमें करना चाहिए। ठीक है इसमें और जहाँ शूट करते हैं वहाँ हमारा ओ टू का प्रयोग नहीं करेंगे मतलब जगह वही होगी लेकिन उसकी जगह नहीं करेंगे। इसका भाव अलग तरीके से उसका भाव अलग तरीके से अलग अलग भाव में हम इसका यूजेज करेंगे। जैसे हम लिख देते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए अगर ऐसा मैंने बोल दिया। ठीक है और इसमें आपको जैसे कि इधर आपको लोगों को निकल जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से बोला जाए। देखिए इसमें उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा आपको यहाँ पर भी अपने नैतिकता वाले कारण या उस तरीके से जैसे कि हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और इसमें चाहिए था कुछ ऐसे यूज करेंगे तो यूज कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन अगर करना है हमें ट्रांसलेट हम करते हैं कैसे देखिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तो यू सबसे पहले कर्ता लिखना आपको पता है। ठीक है यू उसके बाद शुड लगाना होगा क्या लगाना होगा शुड यू शुड उसके बाद नॉट निगेटिव ये है तो आपको नॉट लगाना है निगेटिव है तो नॉट ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब करने के लिए डू लिखना है डू ठीक है क्या लिखना है डू और ऐसा के लिए सो ऐसा लग सकते हैं करना चाहिए या कहना चाहिए अगर है तो आप से लिखेंगे बोलना चाहिए स्पीक लिखेंगे। यहाँ पर आपको ये क्रिया ठीक है फर्स्ट फॉर्म क्रिया का लगेगा ध्यान दीजिएगा फर्स्ट फॉर्म लोगों को निकल जाना चाहिए लोगों को निकल जाना चाहिए लोगों मतलब पीपल पीपल क्या पीपल ठीक है पीपल और पीपल आपको क्या कर रहे हैं कि को निकल जाना चाहिए तो सबसे पहले तो चाहिए के लिए लगेगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे शुड आपको पता है मैंने पहले ही बोल दिया शुड ठीक है फिर उसके बाद लीव क्या है लीव ओके लीव और यहाँ पर अब उसके बाद है हमें प्रतिदिन दौड़ना चाहिए तो हमें मतलब बी ठीक है शुड शुड ठीक है शुड उसके बाद क्या है दौड़ना चाहिए शुड रन ठीक है रन ओके अब यहाँ पर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था अब इसमें चाहिए था लगा हुआ है क्या लगा हुआ है चाहिए था तो यू तो लगेगा ही आपको कर्ता के रूप में ठीक है उसके बाद यहाँ पर शुड अब आप बताइए कि हैव लगेगा कि नहीं हैव लगेगा कि नहीं क्यों लगेगा क्योंकि चाहिए था क्योंकि लिखा हुआ है चाहिए था तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था अब यहाँ पर जाना चाहिए था हैव लगा है तो आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एक बात और ध्यान देना है यहाँ पर यही बात ध्यान देना है वहाँ पर गॉन देयर के लिए वहाँ लगेगा वहाँ के लिए देयर मतलब लगेगा ठीक है यू शुड हैव गॉन देयर यू शुड हैव गॉन देयर इसमें थर्ड फॉर इसमें फर्स्ट फॉर ये थर्ड फॉर इसमें फर्स्ट फॉर तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था अच्छा चाहिए था तो फिर से वही यू शुड हैव अब उसके बाद तुम्हें मुझे याद दिलाना तो याद दिलाना का लिखेंगे शुड हैव लग गया है याद दिलाना का रिमाइंड होता है मतलब रिमाइंड क्या होता है रिमाइंडेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म का क्या हो जाएगा रिमाइंडेड मुझे मतलब मी ये हो जाएगा। रहीम को पढ़ना चाहिए था पढ़ना चाहिए था तो रहीम को रहीम ठीक उसके बाद पढ़ना चाहिए के लिए वही आपका शुड हैव क्या पढ़ना मतलब रीड थर्ड फॉर्म
तो इस तरीके से ये करना है। अब यहाँ पर जो हमारा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऑट टू का प्रयोग है, ये ऑट टू का प्रयोग है जहाँ पर थोड़ा बलपूर्वक प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यू लिखना है, यू शुड मत लगाना, शुड मत लगाना, ठीक है। यहाँ क्या लगाना है, और ठीक और टू लगाएंगे, उसके बाद आपको निगेटिव है तो टू के पहले नॉट लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा निगेटिव है तो टू के पहले नॉट लगाएं, नहीं टू डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है टू। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो डू नॉट टू, उसके बाद डू क्या डू, ठीक है डू, ऐसा, ऐसा का मतलब सो, सेम ऐसा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, दोनों जगह यहाँ पर लिखे हैं, दोनों जगह यहाँ पर लिखे हैं। अब आपको ध्यान देना है हमें शुड ये भाव कैसा प्रकट हो रहा है, अगर आप नॉर्मल बोले तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर वहाँ पर ऐसे ही बोला जाए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ नैतिकता वाली, कुछ समझाने वाली बात, कुछ परामर्श की ऐसा मतलब कुछ अच्छी बात बोली जाएगी, तब हम और टू का भाव प्रकट कर देंगे, नहीं तो हम शुद्ध ही लगा देंगे, दोनों वही सेम ही है, बस देख लिए फर्क कहाँ पर, फर्स्ट फर्म थर्ड फॉर्म यूजेज करना है, बस ये दिमाग है। लोगों को निकल जाना चाहिए, लोगों को निकल जाना चाहिए, ठीक है पीपल, क्या पीपल ought to have left, लेफ्ट लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, बात आपको समझ में आई होगी थोड़ा बहुत, देखिए और सारे मॉडल जब जब हम क्लियर करेंगे तो समझ में आए, आपको आने लगेगा। आपको चाहिए के लिए शुड प्रयोग करना है, चाहिए था के लिए आपको शुड हैव प्रयोग करना है, लेकिन जहाँ पर आपको भाव अच्छी तरीके से एक नैतिक भाव, एक आदर्श भाव, मतलब एक अच्छा भाव, व्यवहारिक भाव मतलब हो, कुछ उस तरीके की बातें हो ना, तो आप वहाँ पर ऑट टू का प्रयोग कर दीजिएगा, ऑट टू हैव का प्रयोग कर दीजिए, बस यही आपको फ़र्क डालना है, दोनों में से एक ही करना, दोनों आपको नहीं करना है, ध्यान दीजिए एक बात को। बाकी आपका अगला मॉडल आपको लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और उसके बाद प्ले लिस्ट लगी हुई है उसको भी चेक कर लेना, और अगली आपका जो मेरे सेकंड चैनल की लिंक दीजिए इसके लिए, उसको सेकंड चैनल को भी आप विजिट कर लीजिए, प्लीज उसको भी सपोर्ट करिए, सेकंड चैनल पर मोबाइल कंप्यूटर कॉलेज वीडियो डालते हैं उसको भी आप सपोर्ट कर लीजिए। बाकी आपको जो भी होगा हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर सब्जेक्ट है, बेसिक मैथ अगर सीखना चाहते हैं तो मैथ कमज़ोर है तो मैथ आप एक बार प्ले लिस्ट है मैथ बेसिक टू एडवांस चेक कर लेना, ओके आपका काम हो जाएगा, ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।